Many people are really grateful that you give me this opportunity to intervene. At this stage, in the address of the President of the Joint Session of the Two Houses. मैं बहुत थोड़े में अपनी बात कह दूंगा अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं समझता हूं कि संसद का भाव भी अभी जल्दी जल्दी इस काम को निपटाने का है, आगे चलने का है। चंद दिनों में संवत्सरी का अवसर है, शायद उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त न हो सबसे इस प्रकार मिलने का। देश अभी एक परीक्षा पर्व से गुजरा है, नव वर्ष लगेगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस परीक्षा पर्व से उत्तीर्ण हो सफलता से, आगे वाले दिनों में अच्छे रहें। मेरे दो तीन पॉइंट हैं सिर्फ। एक, अभी सवेरे मेरे काबिल दोस्त यशवंत जी ने उस मसले को और अन्य दोस्तों ने उठाया, मैं उसको नहीं दोहरा रहा, पर प्रधानमंत्री जी से उनसे कहूँगा कि कई बार ऐसा प्रधानमंत्री जी अखबारों में पढ़ने को आता है, नवजात शिशु नाले के किनारे पाया गया। मेरा आपसे मेरी अर्ज है कि रेल बजट कहीं ऐसा ये नवजात शिशु न हो जाए जो किसी नाले के किनारे पड़ा है और उसको कोई, बिकॉज आई वी रियलाइज प्राइम मिनिस्टर दैट देयर इज मैटरनिटी इज ऑलवेज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, मैटरनिटी इज क्वाइट ऑफन क्वेश्चन। सो लेट दिस बजट नॉट बी ये अनाथ न हो जाए, ये आपसे निवेदन है। आई हैव नो कॉमेंट्स एट ऑल ऑन द जनरल बजट, वो मेरे काबिल दोस्त यशवंत जी उस पर चर्चा करेंगे। दो बातें अर्ज करनी हैं मेरी काबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, गुस्साखी माफ करें, आप यू आर हाईली लर्नड एंड बाय प्रोफेशन अ टीचर, I am an illiterate, I have no degree from the desert. But sir, may I request you to please re-examine the reference that you have made to Polonius. You have quoted the Hamlet to say, I have to be cruel to be kind. That is, because that is when Hamlet mistakenly, thinking that Polonius is his uncle, he's able to put a sword into him. The more appropriate reference, very humbly I might submit to you about Polonius, is that Polonius, when taking leave of his son, said, take heed, do not a borrower or lender be. Now, for a finance minister, permit me to say that would have been an infinitely better reference from Shakespeare. But वो दूसरी बात है, वो आपका एक मैंने जिक्र पढ़ा अखबार में कि फिस्कल डेफिसिट को देख करके आपको रात को नींद नहीं आती है, जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसको पढ़ करके, क्योंकि आप गलती से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये नींद की गोलियों की दवाई वगैरह मत लेने लग जाना। फिजिकल डेफिसिट तो अभी भी हो गया है, आप जो हम इलाज करते हैं उसका जरा एक दो बार तरीका देखिए। और आप हमारी बात नहीं मानते तो मेरे दोस्त शत्रुघ्न जी से पूछ लीजिए, आप अच्छा चलाएं और आप सफल हों, ये हमारी मंशा है, हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता में मुल्क की सफलता है। हम प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, वी आर नॉट योर पोलिटिकल एनिमीज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एज हैज बीन वंस सेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, वी आर योर पोलिटिकल एडवर्सरी। सो योर एनिमीज पोलिटिकल और अदरवाइज sit behind you and beside you. If you have to take heed, please take that heed. आपसे एक मेरी अर्ज है वजीर आजम साहब से, आप ऐसा मैंने पढ़ा आप कहाँ
राष्ट्रपति भवन या कहीं वहाँ पधारे हुए थे, अखबार वालों ने आपसे पूछा, और अखबार वाले अक्सर ऐसा करते हैं, बड़े ऊट पटांग सवाल पूछ लिया करते हैं, तो उन्होंने आपसे पूछा आपके पास नंबर है या नहीं, आपने कहा वी हैव द नंबर्स। मेरा आपसे एक अर्ज है, ये वाक्या हम पहले भी देख चुके हैं और इसी राष्ट्रपति भवन में, आपको शायद जरूर याद होगा। जी नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। अच्छा अपने हिंदी में ही बोलो, कुछ हिंदी है कहेगा, कुछ हिंदी में बोलूँगा। फिर मुझे एक दो अर्ज करनी है आपसे, अंग्रेजी में आपको याद होगा जी, आपको याद होगा वो शेक्सपियर, पर आपको याद होगा प्रधान जी, राष्ट्रपति भवन से एक बार ऐलान हुआ था, वी हैव 272 मोर अकमिंग, कहीं आप वो कफरत तो नहीं कर रहे हैं। सर आए, ये सवाल नंबर्स का नहीं है, ये सवाल इकबाल का है, और मेरी अर्ज है आपसे आज के दिन वाकई में देश के इकबाल का सवाल है, जो आज अगर हम किसी बात की चिंता लेके चलते हैं, देश के इकबाल और इज्जत की लेके चलते हैं। इसीलिए शुरू में आपसे अर्ज किया था कि संवत्सरी का पर्व है, जो परीक्षा पर्व देश का है वो समाप्त हो चुका, हम चाहते हैं आप सफल हो, वी वॉन्ट यू टू सक्सीड, बिकॉज इन योर सक्सेस इज द सक्सेस ऑफ द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई आई सेड व्हाट आई सेड। मेरी दो अर्ज आपसे है, एक है वो डेजर्ट नेशनल पार्क, मैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बिल्कुल छोर पर रहने वाला हूँ, इसका मैं हम डेजर्ट नेशनल पार्क का अनुवाद क्या करूँ, अब उद्यान तो रेगिस्तान में होता नहीं, सिर्फ डेजर्ट नेशनल पार्क ही कहना पड़ रहा है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, अब वो मरुस्थल में उद्यान कहाँ से आएगा सोचा जी, इसीलिए नहीं, अब वहाँ 22 गांव हैं। मेरी आदत सरकार से ये है, स्पीकर साहब उसमें 22 गांव हैं, बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के, उन 22 गांवों में कुएं से पानी निकालने का आप बिजली नहीं देते। आप कहेंगे ये सरकार का काम है, हम कहाँ से गए भाई, शत्रुघ्न जी आपकी गैरहाजिरी में हमने आपका रेफरेंस कर दिया, तो अब वो आप कहेंगे हम तो सरकार का काम है। हुजूर मेरी आपसे अर्ज है, उस 22 गांव में मैंने वो मेरे गांव मेरा घर उसके छोर पर है, मैंने अपना बचपन वहां बिताया है, हम कुओं से पानी नहीं निकाल पाएंगे तो आप क्या चाहते। माई नेक्स्ट पॉइंट शरद जी इजाजत दें, मैं अंग्रेजी में कहना पड़ेगा, एंड माई लास्ट पॉइंट स्पीकर साहब इज अबाउट गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम अनइक्विवोकली विदाउट एनी रिजर्वेशन व्हाटसोएवर आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑनरेबल द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल द होम मिनिस्टर एंड ही देन हैड अ डेप्यूटी हु माखन साहब वो पीछे बैठे हैं, the support that they provided, the support that the union government provided for the issue of the Gurkhas, the support that the Trinamool and the leadership that the Trinamool demonstrated in the establishment of the Gurkha Land Territorial Administration is really one of the most significant and strategically important steps that has been taken by and because of the alacrity and the efficiency of the Trinamool government in Bengal. And I do compliment Mamta ji, and I do compliment very much the Union Home Minister Shri Chidambaram and his able deputy then Michael Saab, and also you Mr. Finance Minister for the support that you have given. I have two or three requests to make in respect of Gurkha. The house, the entire house must please appoint, because it is strategically a very important area.
the district of Darjeeling, where I accidentally happened to represent, because my leader, Advaniji, and the Gorkhas came from Darjeeling to ask me to represent them, is the only district in the country that adjoins four international borders. Please recognize their fourth importance. The territorial administration is the first step towards the achievement of Gorkha Land, but they cannot jump to Gorkha Land. So let this Gorkha Land administration be built up. It also sits at the head of Chicken's Neck, and as I explained once to His Excellency, the governor, the present governor of Bengal, it's not just sitting on the neck, it is sitting on the gullet of that chicken's neck. It is a highly strategically important area. It must be developed, and therefore I ask you, Mr. Finance Minister, please recognize the logic of contiguous areas where Gurkhas inhabit. If committees have been formed, and this is my appeal to the Trinamool members, if a committee has been formed to establish what are the contiguous areas, then recognize that the logic of that committee's determination must be implemented. Your information, please, for a moment. Has already been set up. Mr. Shamol Sen, former Chief Justice and former Governor of West Bengal, is heading the committee. The committee has placed the report, and Honorable Home Minister has also the idea that what sort of report has been tabled, and the latest GTA. Before and earlier, it was DGHC, Darjeeling Gorkha Hill Council, and ultimately now it is being transferred to GTA, Gorkhaland Territorial Act. So naturally, this decision has been taken by the approved by Home Ministry with the initiative of our leader Mamata Banerjee. She had been to Darjeeling. There was a massive turnout. People endorsed the idea. Some confusions have reported to be transparent. We think this will be all sorted out through discussions. And whereas you are a member of the Lok Sabha, please, you can help to sort it out. Please. So Trinamool Congress and our leader Mamata Banerjee is very much trying to sort it out, and we hope it will be sorted out if CPM at least does not disturb. Please, no, please, we are not going to have a full-fledged discussion here on this. No, please take your seat. Are you yielding? Jaswant Singh ji. Aap boli. We can't have a discussion on this. Please, he's not yielding. I don't think he's yielding. Are you? Aap boli. Nothing else will go in record. No. Aap boli. Nothing else is going on record. No, I'm not suggesting anything. Far be it from All right. Just one thing, please. All right, please take your seat. Yes. Madam, far be it from me to Nothing will go on record. No. Aap boliye. Madam, I didn't want it to be. Aap boliye. Kya ho raha hai? Baith jaiye. I didn't want it to be. Kindly conclude. It's not an intra-Bengali issue. Kindly conclude. About 175,000 of them who are in uniform. Yes. I'm not suggesting a bifurcation of Bengal. Please, it is recognize what Yunnan has done next door to us. There can be. I am not recommending. How can I? I am merely a representative. You are resident. You have already said. No. Please address the chair and please kindly conclude now. I think. There's one more. Yes. Please. I think the time is of essence. Please. Some will call. Yes. This is my request to the Honorable Home Minister. There are some will call. No.
बैठ जाइए काहे के लिए इतना नहीं बैठ जाइए शांत होइए थोड़ा सा हाँ अरे सम गुरखास मैडम who have been granted a tribal status others have not been granted I appeal to the Honorable Home Minister who has handled this case with great sensitivity and understanding I appeal to him and to the government don't divide the Gurkhas into tribals and not because if some are tribals then the balance are also tribal this would answer a great my final request is to the finance minister honorable finance minister I know the headaches that all finance ministers have I know the strains on your exchequer but please understand that after the difficulties of 30 years that Darjeeling has suffered they required what I call a startup fund please consider that sympathetically main sirf aakhri last and final because yahan maine dekha speaker sahiba ki aajkal sher o shayari bahut chalti hai ek nahi wo chale gaye चले गए शेर व शायरी वाले गए उनकी छुट्टी हो गई एक शेर है बधाइयों के एक त्रिवेदी जी थे सब बधाइयों के अभी मैं जानता नहीं कौन रिप्रेजेंटेटिव हैं पर बधाइयों के एक शायर थे फानी फानी से या तो फानी का एक शेर है प्रधानमंत्री जी के लेख देख फानी वो तेरी तकदीर की मैयत में हो जा रहा है एक जनाजा दोष पर तकदीर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर